सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा रविवार और सोमवार को लालकुआ में धूमधाम से मनाया गया। घाट पर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोग और एक छठ व्रती महिलाओं ने शाम और सुबह में सूर्य को अर्घ्य दिया। रविवार की शाम और सोमवार की सुबह में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सुबह 6 बजे उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पूजा का समापन हुआ। नहाए खाए से शुरू हुए इस महापर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद ग्रहण कर व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू किया। इस दौरान छठ पूजा समिति ने पूजन के बाद प्रसाद का वितरण किया, जिसमें क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिकों सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। परंपरा चली आ रही है। ये जब राम जी रावण अयोध्या आए थे, रावण जी का वध करके, तो एक ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए, इस वजह से सीता माता ने छठ पूजा की थी। तब से ये परंपरा चली आ रही है। 3 दिन का व्रत होता है इसमें घंटे का। पहले दिन निर्जल व्रत होता है, शाम को गुड़ नए चावल का खीर बना के खाते हैं। दूसरे दिन निर्जल रह के शाम को अर्घ देते हैं डूबते सूरज, सुबह फिर उठते सूरज को अर्घ दे के समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद पानी।